इसमें जो स्पाइस जाएंगे ये है हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, नमक, ठीक है। बेसन का लेप करना इन पत्तों पे शुरू कर दिया हुआ, बेसन मैंने बना लिया था, ठीक है। ये बनाया हुआ, ये एक मैंने बना के रख दिया हुआ। अच्छा काफी लोग ना पता कैसे बनाते हैं, को लेकर जाना ही जाना है लाजमी। खोल गया वे, टिक जा। हाँ तो ये अच्छा, ये आपने ना साइड ऊपर रखनी, ठीक है, ताकि खुले नहीं। होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनको ऐसे फ्राई कर लेना है, कुछ मैंने निकाले भी हैं बाहर इतने। यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं आज, ये नीचे सारे टमाटर और हरी मिर्च कट कर लिए मैंने, एंड योगर्ट तकरीबन ये मैं आधी लूँगी, इसमें से ज़्यादा नहीं लूँगी। अब मैं इसमें घी ऐड कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत प्यारी सी सौगात, गर्मी की सौगात। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ ये जरूर शेयर करूँगी मैं क्या बनाने जा रही हूँ ऐसा, ठीक है। आप लोगों के घरों में भी बनता होगा, आप भी जरूर बनाते होंगे, और जिन्हें नहीं पता, ठीक है, तो अगेन मैं उनके लिए पूरी रेसिपी आज बताने वाली हूँ कि मैं ये किस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। जो मेरी बहनें आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं, जिन्हें नहीं बनाना आता, तो उनके लिए मैं लाजमी बताऊँगी। और काफ़ी ना मेरी मतलब के व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं आपकी इसकी फुल रेसिपी, आपकी इसकी फुल रेसिपी। तो मैंने सोचा कि मैं जो भी बनाया करूँगी ना उसकी फुल रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। जिनेन भाई भी ये कहते हैं तो फिर आप क्या पूछते हैं कि आपने किस तरह किया था, आप स्टेप बाय स्टेप बताया करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब पर ही बता रही हूँ मम्मा। तो भाई आज मम्मा को हम लेके जाने लगे हैं, जहाँ जाएँगे वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही हूँ। मम्मा जी क्या भी सलाम कर मेरे दी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों भाइयों, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। ये ना ऐसे पकाने से पहले ना इनकी जो मोटी मोटी सी डंडी है, ये शाखें होती है ना, ये डंडी के इधर करके देख ऐसे करके, और इनको ना ऐसे खींच लेना ना, ऐसे ये नहीं तो फिर गले में खारिश करेगी। ये लाजमी उतार लेनी चाहिए। मेरा धिया पुत्र गुस्सा कराएं देर देर। और मैं बता रही हूँ कि जिसके बीज में बैटर लगना वो क्या क्या है, ठीक है। ये मैंने ले लिया वो बेसन, बेसन मम्मा ये 1.5 किलो है ना, मिला नहीं, ठीक है। ये मतलब कि ये बेसन किलो है, मंगाया तो 1.5 किलो था, पर जुनेद भाई जी माशाल्लाह से अपनी जहनदानी से किलो ही लेकर आए हैं। तो और इसमें जो स्पाइस जाएंगे ये है हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, नमक, ठीक है। तो व्यूवर्स आजकल आइज इतनी वीक होगी, इतनी वीक होगी ना, मुझे समझ ही ना आई किचन में खड़े हुए ये हल्दी है क्या, लाल मिर्च है, इतनी मैं कंफ्यूज हुई खड़े 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 खड़े। मम्मा सो रही थी, ये गंजू को तो पता ही क्या है, नहीं गंजू को तो खैर पता ही क्या है, इनको तो लेने की तमीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इनसे बड़ी हूँ तो मुझे सारा कुछ पता है, और भाभी जी ऊपर थी, मुझे नज़र ही ना आए, मैं गौर गौर से देख देख के फिर मैंने खुद ही मतलब कि डाल लिया। पता नहीं मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक होगी कि दिमाग वीक हो गया, क्या हो गया ऐसा। तो खैर मैंने ये कर लिया होगा, ठीक है। मैं अब इसका बैटर बनाने लगी हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ, बना के भी दिखाती हूँ बल्कि, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये अब मैंने सारा कुछ इसके बीच में ऐड कर दिया। और अच्छा मेरी बात सुने, इसमें पकौड़ों की तरह प्याज वगैरह नहीं डलती होती, जो इसके अंदर मैं बना रही हूँ ना वो हमने इसके बीच में लेप करना है, जो अरबी के पता है ना इसके बीच में हमने लेप करके लगाना है, नॉट पकौड़ा नहीं बनाना हमने इसका। तो इसमें सिर्फ नमक मिर्च ही जाएगा, ठीक है, ज़ीरा वगैरह ही जाएगा जस्ट। तो जिस तरह मैं बना रही हूँ मैं आपके साथ वैसे वैसे रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को कैसे स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक लाजमी वीडियो को देखना, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉल मोल कर लूँ ताकि गैस भी जाने वाली है, उससे पहले पहले हमने इसको रेडी करना, स्टीम भी करना, देन इसको फ्राई भी करना, और इसको पकाना भी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह से मैंने बेसन का लेप करना इन पत्तों पे शुरू कर दिया हुआ, बेसन मैंने बना लिया था, ठीक है। ये बनाया हुआ, ये एक मैंने बना के रख दिया हुआ। अच्छा काफी लोग ना पता कैसे बनाते हैं, छह पत्तों को मतलब कि जोड़ लेते हैं, इसके ऊपर पत्ता रखते हैं, फिर उसके ऊपर पत्ता रखते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। क्या होता है ना कि बीच में से जब ना वो सही से स्टीम होते हैं ना तो वो सही से पक पाते हैं, क्योंकि मैं सेपरेट सेपरेट पत्ते ही बनाती हूँ। थोड़ा सा बेसन ज्यादा लगता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, बट वो कच्चे कच्चे नहीं लगते, एक एक पत्ता बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी होकर बनता है, और जैसे जैसे हमें चाहिए होता है वैसा वैसा टेस्ट उसके बीच में आ जाता है। बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो इसको ऐसे बेसन लगाते जाना, ठीक है, एक एक तय में इसकी बेसन अच्छे तरीके से लगा देना है, और इसको मैं सेपरेट सेपरेट ही वो करूँगी, मतलब क्या स्टीम करूँगी, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं स्टीम किस तरह से करती हूँ, ठीक है। देन इसके किनारों किनारों पर लगाते जाना है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे फाइनल इसका ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ जोड़ के आपने, फिर बेसन कच्चा नहीं रहेगा, ऐसे पक जाएंगे। और यहाँ थाल दिख रहा होगा आपको बहुत खूबसूरत सा, ये मेरी मम्मा जी के दहेज का थाल है माशाल्लाह से। जब हमने कोई बड़ी चीज़ ऐसी बनानी होती है ना तो हम इसी थाल को इस्तेमाल करते हैं, इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, और खुले तरीके से काम कर लेते हैं। इन कामों के लिए हमने बड़े बड़े बर्तन बहुत रखे हुए हैं,
और काम खुल के ही करने में मजा आता है। बड़े पतीले होने चाहिए, बड़ी बड़ी थालियां होनी चाहिए, प्लेटें होनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंसान इजीली काम कर लेता है। चुनने चुनने से बर्तन मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपने साइज के बर्तन भी पसंद है जितनी मैं बड़ी सारी हूँ, ठीक है ना। तो हर चीज़ बड़ी ही होनी चाहिए, है ना भाई। तो अभी बस ठीक है, ये बस सारे बना लूँ अच्छे तरीके से इसको, फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी, ठीक है। A few moments later. जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से मैंने स्टीम करने के लिए पत्ते रख दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ इसमें रख देंगे पतीले में, ठीक है। हाथ चढ़ गया, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगेन मैं ना इसमें पतीले में पानी रख दिया, ठीक है। और साथ साथ जितना जल्दी हो सके काम को हम ख़त्म करें, ठीक है। बाकी ये सीप नहीं आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, छेती ला, है ना, ठीक है। तो ये मैं आपको थाल फ्री करके दे रही हूँ, तो ये मैं पहले स्टीम के लिए लगा दूँ, जो जो काम जितना जल्दी हो रहा है उसको ख़त्म करें, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है। प्याज मैंने काट ली हुई है, ठीक है, और बाकी मसाला बनाना है मैंने, तो कोई बात नहीं, कह रहा है इंशाल्लाह काम हो ही जाएगा, काम तो करना ही है। और साथ साथ मम्मा की दाढ़ में बहुत शदीद दर्द हो रही है, तो आज मम्मा को लेकर जाना ही जाना है लाजमी। खोल गया वे, ठीक है जा, हाँ। तो ये अच्छा, ये आपने ना साइड ऊपर रखनी, ठीक है, ताकि खुले नहीं, जल्दी से हो जाए। और ये इसके ऊपर लगा दें ऐसे, ताकि स्टीम इसकी निकले नहीं किसी साइड से भी, ठीक है। तो ये हो गए दोनों पतीले मैंने लगा दिए हुए हैं। भाभी जान ये मुझे दे दीजिएगा, ठीक है, हेल्प करूँ? नहीं नहीं, मैं ये आधे पत्ते मैंने बना लिए, आधे रह गए, आधे पे ये लगा देंगी, ठीक है। तो काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब मैंने दिन बनाना है मसाला, ये मैंने बना लिया हुआ, ठीक है, प्याज काट लिए, और अब रह गया है लहसुन अदरक और टमाटर काटना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं सिस्टर्स आपको सब कुछ बताऊंगी। और आपने भी हमारे साथ अरबी के पत्ते खाने, आपने भी हमारे साथ अरबी के पत्ते खाने हैं, ठीक है, बनवाने भी हैं। बनाना जितना मुश्किल है ना, मैं कह रही हूँ खाना जितना मज़ेदार है उससे ज़्यादा बनाना मुश्किल है। और जिस चीज़ को बनाना मुश्किल होता है ना, उसमें जायका भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा दुपट्टा गंदा ना हो जाए, क्योंकि ये दुपट्टे मुझे जान से ज़्यादा दीदी, मुझे क्रेप के दुपट्टे बहुत 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 पसंद है। मैं लॉन के दुपट्टे नहीं ओढ़ती होती, मैं क्रेप के दुपट्टे होती, इवन कि अगर मेरे ड्रेस के साथ हो भी ना, थ्री पीस में सूट ले आती हूँ, पर मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती उसका, मैं क्रेप के दुपट्टे ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्रेप के दुपट्टे बहुत पसंद है। इनमें लुक बड़ी प्यारी सी होती है, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट से फील होते हैं, और मुझे होता है ना, मुझे चादर टाइप फील होते हैं लॉन के दुपट्टे या नीलन के दुपट्टे ना, चादर शॉल टाइप फील होते हैं, तो इसलिए मैं वो लेती नहीं होती। हो गया जी, ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी से बनाए, ताकि जल्दी जल्दी से हम ये काम ख़त्म कर लें। अच्छा जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से ये अरबी के पत्ते कटिंग होने शुरू हो गए हैं, स्टीम हो गए थे सब, ये कटिंग हो रहे हैं ना। मम्मा कटिंग करके दिखाएं मेरी सिस्टर्स को, ऐसे छुरी उठा उठा के काटने। मम्मा किसी का फ़ोन आ रहा है, आई थिंक तो मैं बाकी मसाला वगैरह दिखा देती हूँ कि आप डायल कर लीजिएगा पापा का, ये मैंने नंबर के डायल कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने पापा का नंबर डायल कर दिया। अच्छा जी, तो व्यूअर्स दिखाएं, मैं कटिंग करके दिखाती हूँ पता, ये ऐसे हाँ तीन पीस में कटिंग कर लेना, ज़्यादा बड़े तो अपने तीन पीस में कटिंग करना है, अगर छोटा हो तो उसमें से आपने दो पीस कर लेना, ठीक है। तो बाकी मैं आपको मसाला भी दिखा देती हूँ, कैसा मैंने मसाला बनाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं, आज ये नीचे एक सेटअप लगाया है और ऊपर, अच्छा मैंने पहले ना छोटी कढ़ाई ली थी, आपको दिख रही होगी ब्लॉग में, ठीक है। तो अब मैंने बड़ा पतीला ले लिया ताकि मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए, खुल के पके उसमें ना, जैसे अगर छोटा बर्तन रखा मिखेंगे तो फंस जाएंगे। ये टमाटर कटिंग हो गए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, इसमें मसाला ले लिया मैंने, लिया लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक, पिसा धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये टमाटर और हरी मिर्च कट कर लिए मैंने, एंड योगर्ट तकरीबन ये मैं आधी लूँगी, इसमें से ज़्यादा नहीं लूँगी। अब मैं इसमें घी ऐड कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैं इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा ही ऐड करूँगी, वो इसलिए ऐड थोड़ा करूँगी क्योंकि अभी हमने पत्तों को फ्राई भी करना है। अच्छा काफ़ी लोग ना बिना फ्राई करे से भी बना देते थे, बट मैं फिर ना फ्राई किए नहीं बनाती, वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो गले में ख़ारिश करते हैं, इसलिए तो मैं फ्राई लाजमी कर लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं वो भी आपको बताती हूँ किस तरह से फ्राई करती हूँ। अब ऐसा करती हूँ, गैस जाने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया, एक चूल्हे पर मैं मसाला भून लेती हूँ और दूसरे पर मैं देने ने फ्राई करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, जिसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जी तो व्यूअर्स पत्ते फ्राई होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, इनको ऐसे फ्राई कर लेना है, कुछ मैंने निकाले भी हैं बाहर, इतने फ्राई कर लिए हैं मैंने, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करे क्योंकि अकड़ जाते हैं, इतने नरम नरम है ताकि मसाले में भी जाके नरम ही रहेंगे, ठीक है। और मसाला भी भूनने के लिए मैंने रख दिया हुआ है, इतनी देर में पत्ते फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में ये मसाला भून जाएगा, ये देखिए मसाला फ्राई हो रहा है, अच्छे तरीके से हो जाए
तो देन फिर इसमें हम ऐड करेंगे पत्ते। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ। ठीक है, और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने इसमें जो क्वांटिटी बताई ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी चीज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ ज़्यादा है तो आप इसे डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम है तो आप इसके मतलब जो मैंने जितने भी मसाला चाहती हैं उसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा कुछ बताया है। देन अभी ये फ्राई होने वाले रह रहे हैं, कुछ फ्राई हुए हैं। ठीक है, और गैस जाने में आई थिंक 5 मिनट रह गए, बट कोई बात नहीं, काम तो करना ही, अल्लाह वाले से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। पर मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, जल्दी जल्दी तो बहुत ज़्यादा है, बट साथ साथ मैं बताती भी रहूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। और बर्तन मैं ज़्यादा मैले नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा मैले नहीं करने चाहिए, जो है उसमें गुजारा करो। ठीक है, लाजमी नहीं, अगर हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं तो हम सारे के सारे मैले कर देते हैं। काफ़ी मैंने लेडीज़ देखी कि बिल्कुल सारे बर्तन घर के मैले कर देती होती हैं, या कुछ खास घर में बन रहा हो ना, ये भी बर्तन मैला, वो भी बर्तन मैला, वो भी बर्तन मैला। इसमें मैंने स्क्रीन भी करें, ठीक है, पत्ते, और देन इसे धो के फिर इसमें मैंने पकाने शुरू कर दी। इसी में मैंने निकाले भी, कटिंग भी करे, पत्तों को लगाया भी मटेरियल वगैरह, इसी में ही मैं सारा कुछ करूँगी। ठीक है ना, क्योंकि इतना सब कुछ वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये पत्ते फ्राई हो जाएं तो फिर मैं आपको बाकी वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखिएगा, जैसे ही रेडी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने आधे पत्ते इसमें ऐड कर दिए हुए हैं, आधे अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। माशाल्लाह से थाल भर के बनाए, आज हमने दिल भर के बनाए, पर फिर भी ये सुबह तक, इंशाल्लाह सुबह तक ही होने, ये रात को ही मुझे लग रहा है चट हो जाएंगे। आपने खाने पत्ते थोड़े से? जी जी जी, मैंने खाने आपके लिए थोड़े से रख दी हूँ। ठीक है, तो ये खाओ। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने आपके लिए रख दी हूँ। बाकी व्यूअर्स देखे, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपने थोड़ा सा बड़ा पतीला लेना है इसके लिए, ताकि अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए। फाइनली फाइनली पत्ते पक सके। ठीक है ना, गैस में जाके अच्छा खासा मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा बीपी हाई कर दिया, बीपी शूट हो रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग ब्लॉट हो रहा है इनकी वजह से। ठीक है, तो इसको आपने चलाना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह से बन के तो रेडी हो चुके हैं। खुशबू आ रही भाभी? जी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। आने वाले, बल्कि आने के वाले आ ही चुके हैं। ठीक है ना, जुनेद भाई आ चुके हैं। ठीक है, आप उनको खाना देते हैं, और ये भी माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं फाइनल टाइम पे। तकरीबन टाइम से आधा घंटा ज़्यादा लगा है इन पर, और ये मुझे सिलेंडर पे पकाना इतना कोई जहर लगता है ना। कोई बात नहीं, हर पकाना तो था ही था, पका लिए। पहले फ्राई करें इतने सारे पत्ते सिलेंडर पे, उसके बाद देन ये मैंने पतीले से मसाला फ्राई करा। ठीक है, और अब ये पका रही हूँ। तकरीबन ये ना मिनटों का काम, घंटों का ले जाता सिलेंडर, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर। तो ठीक है, मैं जुनेद भाई को खाना सर्व कर लूँ, फिर हम इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले जुनेद दानिश भाई को खाना दे दें। ठीक है, A few inches later. जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, हमारे अरबी के पत्ते बन के बहुत खूबसूरत से रेडी हो गए हैं। ये देखिए, पूरा पतीला भर के बने, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पतीला भर के मुझे दे देना, और ये अपने लिए निकाल दे इसमें। कुछ भी क्या इसमें अपने लिए निकाल लूं है? दुकान पे लेके जाने, मैंने बाजार के इलेक्शन हो रहे हैं, सारों को खिलाने। तो मैं क्या करूँगी, बाजार में इलेक्शन और मैंने बाजार के इलेक्शन का ठेका लिया, मैं नहीं देने तो लिया है ना, ये सारा पतीला मुझे देना। तो दिया है नहीं, ऑर्डर पहले आ गया भाई। कहाँ तो ऑर्डर पहले आके बैठ जाते कि इसको भी देना, उसको भी देना, उसको भी देना। मुझे दे दे, मैं किसी को नहीं देना। ना ना ना, मैं नहीं दे रही, ऊपर से सलाम तो दी, तमीज का आएगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? आज अरबी के पत्ते पके और मैंने लेके जाने, पहली फुर्सत में निकाले दे। अपनी खा ली ना रोटी, अपनी रोटी पे सिर्फ ध्यान रखो, मैं थोड़े से इसमें डाल के दे रही हूँ, जिसको देने हो वो दे देना। ठीक है, फालतू फालतू बात नहीं करनी है भाई, मैंने अभी सबको देना। ठीक है ना, अभी सबको मिल बांट के हमने खाने। ठीक है, पतीला मुझे दे दे ठाकुर, ये नहीं मैं देने लगी, बस बहुत है इतने, एक इंसान के लिए इतने बहुत रहेंगे। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं मैं देने लगी। अभी पापा ने भी खाने, ये गांजू भी रहता है, और मैं और बहू मम्मा वगैरह हम सारे रह रहे हैं। ठीक है ना, देखो मम्मा ये बहुत है, और डालो थोड़ा सा। हाँ, चार पांच टिक्की अपने लिए डाल के रख लो, उसमें मुझे दे पतीला, बात खत्म। ना हम सूंघ लेंगे, खाएंगे भी क्यों, सूंघ लेंगे ना, टूट रहे हैं वो, चलाई जा रही है। बस बहुत है, एक बंदे के लिए इतना बहुत है, बस बस मम्मा बहुत है इतना, है ना, बस बहुत है इतना। ठीक है, और ये आप ये पकड़ो और जाते बनो। ठीक है, ये पैक करवा देती हूँ मैं, जिसने खाना होगा, एक इंसान नहीं खाएंगे, पूरा पतीला नहीं खा जाएगा एक इंसान। ठीक है, मार्केट तो है ना। और बात सुनो, ये गुग्गू भी आ गया। ठीक है, वो जो पीछे आपके शॉपर पड़ा उसमें आपके बिस्किट रखे हुए, कल मैं लेकर आई थी बेकरी से जब मैं हॉस्पिटल गई, थोड़ा सा गर्म करके ले गया दूध पर बिस्कुट, उसके साथ मजा कराएंगे, टॉफियां भी मिल गई मुझे, टॉफियां। ये पापा के लिए टॉफियां खाने की कोशिश नहीं करनी, टॉफियां मैं पापा के लिए लेकर आई हूँ, आई समझ, दो टॉफियां इधर दे दो, ये पापा की जितनी भी। और हाँ, एक और बात, हाँ, आज निकलवानी है मम्मा की दाढ़, खाओ माँ कसम, क्या अभी खाना खा ले। ठीक है, तो फिर मैं मम्मा को लेकर जा रही हूँ दाढ़ निकलवाने के लिए। जुम्मे को अच्छी खासी आपकी दाढ़ निकल जाती, बट आपने कहा कि मुझे आराम आ गया, नहीं अब मेरी दाढ़ ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, निकलवाऊंगी।
ये पोतर बिस्कुट दे चमड़। हाँ ये दे। ये मैंने अपने हिस्से में से भी थोड़े से रखे थे, मुझे वापस दे दो। कोई हिस्सा नहीं है तेरा, चल। हैं? ये जीरे वाले बिस्किट मेरे हैं, मजाक से लावा पापा की कसम, जीरे वाले मेरे हैं। जी जो पापा ने बिस्किट दिए थे ना जीरे वाले, वो मेरे हैं। ठीक है, तेरे हैं, तेरे सारे तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरा है इस घर में, उसका हिस्सा भी मैं खाऊंगी। यहाँ तक के ये व्यूअर्स भी मेरे हैं, देखने वाले वो भी मेरे हैं। हिस्सा भी मैं खाऊंगी, व्यूअर्स का हिस्सा भी मैं खाऊंगी, सारे हिस्से तू खाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका नाम लेके ये पूरा पतीला भी मैं खाऊंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मुझे अप्रिशिएट जरूर करना। ठीक है, और आप इस तरीके से पकाते अपना मेथड भी मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं गलती छोड़ दी। ठीक है, पर जैसे मैं पकाती हूँ हमेशा से वैसे ही बनाए मैंने। गलतियाँ छोड़ी तूने ना, मैंने तेरे से पूछा एक बार भी। तो वहाँ को जो पूछ रही, मैं भी व्यूअर्स ही हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं सीपनी प्लेटा ले, ऐसी रोटी खा ली है चमोट तो कड़ नाल नाल मैं भी ला ही रख सा। ठीक है, तो व्यूवर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हमें एक दूसरे से बार बार मिलते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।